Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video, we are going to learn 3.3 Stephen Hawking. इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड इसके बाद के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी क्लियर करवाऊंगी. एंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने आपको स्टैंडर्ड 10 के सारे लेसन की लिंक दे दी है और इसी मैनर में मुझसे जुड़े रहिए. एंड वन मोर थिंग दैट इफ़ यू आर न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज सजेस्ट यूर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो लेट स्टार्ट विद द लेसन 3.3 स्टीफन हॉकिंग. स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी 1942 to 4th March 2018. सी 8 जनवरी 1942 ये इनका बॉर्न ईयर है और 14th March 2018 ये इनका डेथ ईयर है. ओके. ही वॉज एन इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी विद इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. देखिए यहाँ पे दिया है ही वॉज एन इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट. इंग्लिश दिया है इट्स मीन्स वो इंग्लैंड के थे. देन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, थियोरेटिकल मीन्स होता है बेस्ड ऑन द मेंटल कॉन्सेप्ट्स. ओके. और फिजिसिस्ट मीन्स एक्सपर्ट इन फिजिक्स, यानी कि जो मेंटल कॉन्सेप्ट्स होती है हमारे जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड पे टोटली डिपेंड होती है, जो फिजिक्स की कॉन्सेप्ट है, तो उनमें वो प्रोमिनेंट थे. देन कॉस्मोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है, वी कैन से द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो यूनिवर्स है उसका जो ओरिजिन है वो डेवलपमेंट जो है तो उसकी स्टडी आती है कॉस्मोलॉजी में, तो वो कॉस्मोलॉजिस्ट थे. देन ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, वो ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च भी थे. कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी विद इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी के, सॉरी, द सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी में वो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च भी थे और ऑथर भी थे. Hawking was the first to set out a theory of cosmology explained by a union of general theory of relativity and quantum mechanics. देखिए यहाँ पे कुछ फिजिक्स के वर्ड्स आए हैं लेकिन फिर भी आई एक्सप्लेन यू. Hawking was the first, वो पहले ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने set out means होता है टू प्रेजेंट. वो पहले ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था. क्या किया था? थियोरी ऑफ कॉस्मोलॉजी, थियोरी ऑफ कॉस्मोलॉजी प्रेजेंट करने वाले सबसे पहले ही एक पर्सन थे. एक्सप्लेन बाय अ यूनियन ऑफ जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो टर्म्स हैं इनको यूनियन, यानी कि इनको एक करके, उनको एक करके कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन करने वाले ये सबसे पहले पर्सन थे. नाउ काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन पड़ा होगा कि जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है. तो देखो क्या था कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है तो उन्होंने एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी ये जो दोनों है वो इक्वल है बिकॉज जो ग्रेविटी है इट इज़ नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन. ओके. तो ग्रेविटी जो है वो नथिंग बट द एक्सेलरेशन का इफेक्ट है, ये शो करने के लिए उन्होंने एक लिफ्ट का प्रयोग किया था, लिफ्ट का एक प्रैक्टिकल किया था उन्होंने. सो उस पे से ये समझ में आया था, यानी कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है तो उस पे से इतने समझ में आया कि दिस इज़ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी. तो पहले उन्होंने पब्लिश किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बाद में उन्होंने 10 सालों के बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया. तो उसमें से उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि जो ग्रेविटी है, लाइट है, टाइम है, इन सब पे इफेक्ट होता है किस बात का? स्पेस टाइम का. स्पेस टाइम का जो इफेक्ट होता है वो ग्रेविटी, लाइट एंड टाइम पे होता है. तो यही उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें समझाया था. देन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स इज द थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द डायनामिक्स और वी कैन से हाउ थिंग्स मूव एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी थिंग्स जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैसे मूव होती है वो क्वांटम मैकेनिक्स होता है. तो यहाँ पे स्पेस का, स्पेस टाइम का, टाइम पे, ग्रेविटी पे, लाइट पे, इस चीज़ों पे कैसे इफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से सिखाई थी. क्वांटम मैकेनिक्स में उन्होंने कुछ भी, कोई भी चीज़ें होती हैं उनका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो मूव होता है वो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू बताया था. तो इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन करने वाले वो सबसे पहले पर्सन थे. हॉकिंग वॉज एन ऑनररी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स. देखिए ऑनररी फेलो यानी कि होता है एक ऑनर, यानी कि प्रेस्टिजियस पर्सन जिसको बोलेंगे. तो रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स के वो सबसे प्रेस्टिजियस रह चुके हैं. अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द पोर्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंस, पोर्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंस जो है तो उसके वो लाइफ टाइम, यानी कि पूरी लाइफ के लिए वो मेंबर रह चुके हैं. एंड द रिसिपियंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन यूएस. यूएस यानी कि अमेरिका, अमेरिका का सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल. तो वो भी उनको मिल चुका है. रिसिपियंट यानी कि बेनिफिशियरी, यानी कि उनको ये अवार्ड मिल चुका है.
दिस लेसन गिव्स अस एन इंसाइट इन टू द ग्रेट साइंटिस्ट हिज लाइफ एंड हिज वर्क. इस लेसन में से हमें क्या मिलने वाला है, इंसाइट. इंसाइट का मतलब होता है विजन और वी कैन से अवेयरनेस. तो इस लेसन में से जो ग्रेट साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग और उनकी जो लाइफ है, उनके जो काम है, इन सब के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, एक अवेयरनेस मिलने वाला है ओके स्टीफन हॉकिंग के बारे में. सो लेट स्टार्ट विद द लेसन. दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टीफन हॉकिंग. देखिए उनकी डेथ हो चुकी है 2018 में. चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं. स्टीफन हॉकिंग बॉर्न January 8, 1942 इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट. देखिए यहाँ पे भी दिया है इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, यानी कि इंग्लैंड के थे, यानी कि वो ब्रिटेन में रहते थे. तो वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर भी थे एंड ऑथर हु हैज़ डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी. देखिए वो ऑथर भी रह चुके हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं, साइंटिस्ट भी रह चुके हैं और इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया. ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है इनोवेटिव और वी कैन से एडवांस्ड वर्क, यानी कि बहुत ही अच्छा खासा वर्क किया उन्होंने. किस कौन से फील्ड में, फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ कॉस्मोलॉजी. दिस इज द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है, उन सब चीज़ों का स्टडी करने वाली जो साइंस होती है उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी. तो वो एक कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे एंड हुज बुक्स हैव हेल्प टू मेक साइंस एसेसिबल टू एवरीवन. एसेसिबल मींस रीचेबल. इन्होंने स्टीफन हॉकिंग ने जो कुछ भी बुक्स लिखे थे वो सभी के लिए रीचेबल थे, यानी कि सबके पास थे, यानी कि उन्होंने सबको समझ में इसी लैंग्वेज में ऐसे बुक्स लिखे थे. एट द एज ऑफ 21, यानी कि जब वो सिर्फ 21 साल के थे, व्हाइल स्टडिंग कॉस्मोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ही वॉज डायग्नोस्ड विथ अमायोट्रॉफिक लैटरल स्कलरिसिस ALS. देखिए जब वो 21 साल के थे तब वो कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे. किस बात की, कॉस्मोलॉजी की. 21 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जब वो कॉस्मोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे तब वो डायग्नोज हुए, इनको एक डिसीज हो गया, अमायोट्रॉफिक लैटरल स्कलरिसिस, यानी कि ALS नाम का डिसीज उनको हो गया. पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टोरी वॉज डिपिक्टेड इन 2014 फिल्म द थियोरी ऑफ एवरीथिंग. देखिए उनकी लाइफ का जो स्टोरी है वो डिपिक्ट किया है. डिपिक्ट करना मीन्स होता है वी कैन से शो करना और रिप्रेजेंट करना एक पिक्चर के थ्रू. 2014 में एक द थियोरी ऑफ एवरीथिंग नाम की एक फिल्म बनाई गई और उस फिल्म में इनकी पूरी लाइफ जो है वो शो की गई. Over the years, Stephen Hawking has written and co-written a total of 15 books. देखिए कुछ सालों में उन्होंने written and co-written, यानी कि उन्होंने खुद भी कुछ बुक लिखी है और किसी के असिस्टेंस के, यानी कि किसी के हेल्प लेके भी उन्होंने कुछ बुक्स लिखी है. तो वो है टोटल 15 बुक्स. अ फ्यू ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी इंक्लूड, और उसमें से फ्यू ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी इंक्लूड, यानी कि उसमें से कुछ बुक्स ऐसे नोटवर्दी, यानी कि नोटेबल, उसमें से कुछ बुक्स ऐसे जो कि काफ़ी नोटेबल है. वो बुक है द ग्रैंड डिज़ाइन, द यूनिवर्स इन ए नटशेल, द थियोरी ऑफ एवरीथिंग. ये तीनों बुक, द ग्रैंड डिज़ाइन, द यूनिवर्स ऑफ ए नटशेल एंड द थियोरी ऑफ एवरीथिंग, ये तीनों बुक कैसे है नोटवर्दी इंक्लूड. नोटवर्दी यानी कि नोटेबल, यानी कि वी कैन से जो इंक्रीजिंगली जिसको हम जान सकते हैं, इंक्रीजिंगली जिन्होंने लोगों ने इसको फेमस किया था, वी कैन से लाइक दैट. ओके. इन 1988 हॉकिंग कैटापुलेटेड टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस विद द पब्लिकेशन ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ टाइम. देखिए 1988 में क्या हुआ था, कैटापुलेटेड यानी कि लॉन्च करना. ओके, ऑलरेडी द मीनिंग इज गिवन है, दैट इज़ लॉन्च. देखिए उन्होंने 1988 में लॉन्च किया था टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस. इंटरनेशनल प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस यानी कि वी कैन से पोजिशन और रैक, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने एक बुक पब्लिश किया है, उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम का उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बुक पब्लिश किया है. द शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक बिकम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी फॉर द मासेस एंड ऑफर्ड एन ओवरव्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम. देखिए द शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव बुक, ये जो बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये एक शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव बुक है और ये क्या बन गया, एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी फॉर द मासेस. मासेस का मतलब होता है अ लार्ज बॉडी ऑफ मैटर्स एंड ऑफर्ड एन ओवरव्यू स्पेस एंड टाइम. यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस बुक में उन्होंने क्या क्या दिया है, स्पेस एंड टाइम का ओवरव्यू दिया है. बिकॉज वो कॉस्मोलॉजिस्ट थे तो स्पेस एंड टाइम का उन्होंने ओवरव्यू दिया है. और यहाँ पे दिया है कि कॉस्मोलॉजी फॉर द मासेस, यानी कि ये जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें होती है, वी कैन से जो लार्ज बॉडीज होती है मैटर्स की, तो उन सभी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है. लेकिन ये शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक था. ओके, देन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द फ्यूचर. और इस बुक में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का, एग्जिस्टेंस और फ्यूचर क्या होता है, ये चीज़ भी उन्होंने यहाँ पे दी है. द वर्क वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस. इंस्टेंट यानी कि
जो जिसको फास्ट पब्लिक जो फास्ट फेमस हो गया था, तो ये जो बुक था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बहुत ही फास्ट फेमस हो गया था। स्पेंडिंग मोर देन 4 ईयर्स अटॉप द लंडन संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट। देखिए काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं या न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, बुक्स होते हैं, जो कुछ लिस्ट पब्लिश करते हैं, तो लंडन संडे टाइम्स नाम की जो इंस्टीट्यूट है तो वो बेस्ट सेलर का लिस्ट पब्लिश किया करते, तो उस लिस्ट में जो इनका ये बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये 4 साल तक कंटिन्यू फॉर टॉप, यानी कि टॉप पे रहा। 4 साल तक ये उनका बुक कंटिन्यू टॉप पे रहा। और देखिए यहाँ पे दिया है इंस्टेंट सक्सेस, यानी कि काफ़ी जल्दी इसको सक्सेस मिल गया था। सिंस इट्स पब्लिकेशन इट हैज़ सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज। जब ये बुक पब्लिश हुआ तो तब से लेके इसकी मिलियन में कॉपी पब्लिश हुई वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे पूरे वर्ल्ड में, एंड बीन ट्रांसलेटेड इन टू मोर देन 40 languages, और 40 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में इस बुक का ट्रांसलेशन हुआ है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑल्सो वॉज नॉट एज ईजी एज टू अंडरस्टैंड एज सम हैड होप। देखिए जैसे कोई सोचेगा कि अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम समझने के लिए बहुत ही ईजी है, लेकिन ये बुक उतनी ईजी नहीं है। सो इन 2001 हॉकिंग फॉलोड अप हिज बुक विद द यूनिवर्स इन अ नटशेल। सो 2001 में इन्होंने फिर से एक नई बुक लिखी, उसका नाम था द यूनिवर्स इन अ नटशेल, विच ऑफर्ड अ मोर इलस्ट्रेटेड गाइड टू कॉस्मोलॉजीज विक थेरीज। इलस्ट्रेटेड मीन्स वी कैन से कंटेनिंग पिक्चर, यानी कि उन्होंने फिर से द यूनिवर्स इन अ नटशेल नाम की जो बुक लिखी तो उसमें काफ़ी सारी पिक्चर्स वगैरह थी जो कि कॉस्मोलॉजी की बिग थेरी को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। इन 2005 हॉकिंग ऑथर्ड द इवन मोर एसेसिबल अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। देखिए 2005 में उन्होंने फिर से एक बुक लिखी जिसका नाम है अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। पहला जो बुक था वो था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अब उन्होंने लिखा है अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, विच फर्दर सिंप्लीफाइड द ओरिजिनल वर्क कोर कॉन्सेप्ट एंड टच्ड अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड लाइक स्ट्रिंग थियोरी। देखिए ये जो अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम जो कि उन्होंने 2005 में लिखा है, ये क्या है, फर्दर सिंप्लीफाइड, यानी कि जो पहले लिखा था उन्होंने 1988 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, यानी कि उसको और सिंपल करके, बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ गिवन हियर कि ये जो बुक लिखा था उन्होंने तो वो पढ़ने के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा ईजी नहीं था, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उन्होंने लिखा अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम 2005 में। और इसमें उन्होंने क्या दिया था, द ओरिजिनल वर्क्स कोर कंसेप्ट, यानी कि जो ओरिजिनल वर्क है जो कि 1988 में लिखा गया था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसका कोर यानी कि उसकी जो सेंट्रल आइडिया बेसिस आइडिया जो है वो उन्होंने बेसिक आइडिया जो है वो ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम में दिया था। टच्ड अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, और इस ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने जो स्ट्रिंग थ्योरी है उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। यू कैन सी हियर इन पिक्चर, हियर इज़ द स्टीफन हॉकिंग, उनका चेयर देखिए, और जो अमायो जो आपका ALS नाम का जो उन्होंने डिसीज दिया है उस डिसीज से वो सफ़र कर रहे हैं, सो वाई उनकी जो बॉडी इस तरीके से बन गई थी। टुगेदर दीज थ्री बुक्स अलॉन्ग विथ हॉकिंग्स ओन रिसर्च एंड पेपर्स आर्टिकुलेट द फिजिसिस्ट पर्सनल सर्च फॉर साइंस इज होली ग्रेल। देखिए उनके जो तीनों बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन नटशेल एंड अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये जो तीनों बुक है वो और उनका जो कुछ भी रिसर्च था उनके सारे पेपर्स उनको आर्टिकुलेट किया गया, आर्टिकुलेट यानी कि ज्वाइन करने अटैच करना, और इसमें क्या दिखाई देता है हमें, द फिजिसिस्ट पर्सनल सर्च फॉर साइंसेज होली ग्रेल। साइंसेज होली ग्रेल, होली ग्रेल का मतलब यहाँ पे दिया है आपको अ थिंग विच इज़ ईगरली प्रोसीडेड और सॉर्ट आफ्टर, यानी कि वी कैन से होली ग्रेल मीन समथिंग दैट यू वॉन्ट वेरी मच बट दैट इज़ वेरी हार्ड टू अचीव, यानी कि उन्होंने इन तीनों का एक ज्वाइंट करके हमें साइंस के लिए उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वी कैन सी फ्रॉम दिस थ्री बुक्स। अ सिंगल यूनिफाइंग थेरी दैट कैन कम्बाइन कॉस्मोलॉजी द स्टडी ऑफ अ बिग, कॉस्मोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ अ बिग, उन्होंने उस बिग में क्या दिया है, जो उनकी तीनों बुक है जो पेपर है उनके कॉम्बिनेशन में से हमें क्या देखने को मिलता है, द स्टडी ऑफ बुक यानी द स्टडी ऑफ बिग, यानी कि कॉस्मोलॉजी की हमें स्टडी करने को मिलेगी इसमें से, और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि मैंने पहले कहा था क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो थिंग्स मूव होते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ स्मॉल, ये दोनों चीज़ें हमें उनके बुक्स में से पढ़ने को मिलती है। टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगन, और देखिए जो दोनों चीज़ें उन्होंने की है, स्टडी ऑफ बिगन यानी कि कॉस्मोलॉजी की स्टडी एंड क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि स्टडी ऑफ स्मॉल, ये दोनों चीज़ें उन्होंने क्यों एक्सप्लेन की है, टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगन, यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों स्टडी उन्होंने दी है। इट इज़ दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग दैट हैज़ अलाउड हॉकिंग हु क्लेम्स ही कैन थिंक इन 11 dimensions।
देखिए ये वही थिंकिंग थी जो उन्होंने, यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ ये जो उन्होंने बताया, तो ये उनकी वही थिंकिंग थी जो कि एम्बिशियस थिंकिंग थी. एम्बिशियस यानी कि वी कैन से शोइंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सेस, यानी सक्सेस के लिए जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है वो शो करने वाली थिंकिंग उनके अंदर थी. और उनको ऐसे लगता था कि वो अलग अलग 11 डायमेंशंस में यानी कि 11 एस्पेक्ट या फीचर में वो सोच सक सकते थे, यानी कि अलग 11 तरीके से वो अलग अलग 11 तरीके से वो सोच सक सकते. टू ले आउट वो सम बिग पॉसिबिलिटीज़ फॉर ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड यानी कि मानव जाति के लिए कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ वो क्रिएट कर सके, इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से वो सोचते थे. ही इज़ कन्विंस दैट टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल, वो ऐसे मानते थे कि टाइम ट्रैवल जो है वो पॉसिबल है, यानी कि इट इज़ पॉसिबल, एंड दैट ह्यूमन्स में इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लानट्स इन द फ्यूचर. और उनका ऐसा भी मानना था कि इंडीड इंडीड यानी कि वाकई में रियल में कॉलोनाइज, यानी कि जैसे अभी हम अर्थ पे रहते हैं कॉलोनी करके घर बना के, तो उनको ऐसा लगता था कि वो दूसरे प्लैनेट्स पे भी, हम लोग दूसरे प्लैनेट्स पे भी काफ़ी सालों के बाद जाने वाले, टाइम ट्रैवल यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ह्यूमंस क्या करेंगे कि दूसरे प्लैनेट्स पे भी अपने घर बनाएंगे. इन सितंबर 2010 हॉकिंग स्पोक अगेंस्ट द आइडिया दैट गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स इन हिज बुक द ग्रैंड डिज़ाइन. देखिए उन्होंने एक और बुक लिखा है, उसका नाम है द ग्रैंड डिज़ाइन. वो उन्होंने लिखा है 2010 में, सितंबर 2010 में द ग्रैंड डिज़ाइन नाम का बुक उन्होंने लिखा है. और उस बुक में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अगेंस्ट एक आइडिया के अगेंस्ट बोला है, वो आइडिया थी द गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स, यानी कि गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, इस आइडिया को उन्होंने क्या किया था, डिसअग्री किया था इस बुक में से, द ग्रैंड डिज़ाइन में से. हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यू दैट बिलीफ इन अ क्रिएटेड वुड बी कंपेटिबल विथ मॉडर्न साइंटिफिक थियोरीज. देखिए हॉकिंग प्रीवियसली यानी कि बिफोर एंड, उन्होंने पहले ही क्या किया था, आर्ग्यूमेंट किया था किस बात पे, दैट बिलीफ इन अ क्रिएटेड कुड बी कंपेटिबल. कंपेटिबल मीन्स होता है मैच करना, यानी कि क्रिएटर पे यानी कि गॉड पे बिलीव करना, गॉड पे विश्वास करना, ये मैच नहीं करता किस बात के साथ, मॉडर्न साइंटिफिक थियोरीज के साथ. जो भी मॉडर्न साइंटिफिक थियोरीज है उसके साथ हम इस बात को बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते कि जो यूनिवर्स है उसको गॉड ने बनाया है. हिज न्यू वर्क हाउएवर कंक्लूडेड दैट द बिग बैंग वॉज द इनविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर. देखिए हिज न्यू वर्क यानी कि उन्होंने जो भी बुक लिखा है, ये जो द ग्रैंड डिजाइन है, तो उसमें से क्या हुआ, हाउएवर कंक्लूडेड दैट द बिग बैंग वॉज द इनविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर. इस बुक में से उन्होंने बताया कि जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी वो इनविटेबल कॉन्सिक्वेंस है. इनविटेबल यानी कि नॉन स्टॉपेबल रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट. बिग बैंग थ्योरी जो है वो किस बात की नॉन स्टॉपेबल रिजल्ट है, द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर. बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक लॉ ऑफ फिजिक्स है, एक नॉन स्टॉपेबल रिजल्ट है और कुछ भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था. बिकॉज देयर इज़ अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग. उनको ऐसा मानना था कि जो ग्रेविटी है इट इज़ नथिंग बट द एक लॉ है, ग्रेविटी मीन्स एक लॉ है, और ग्रेविटी की वजह से जो यूनिवर्स है वो क्या कर सकता है, क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग, यानी कि कुछ ना होने के बावजूद भी यूनिवर्स खुद को क्रिएट कर सकता है ओनली विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी. हॉकिंग सेड स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीजन देर इज समथिंग रैदर दैन नथिंग वाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट वाई वी एग्जिस्ट. स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है वी कैन से अनफोर्स्ड, ओके, अनफोर्स्ड क्रिएशन जो होते हैं इज़ द रीज़न देर इज़ समथिंग रैदर दैन नथिंग, यानी कि उनका ऐसा मानना था कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ तो है, बिकॉज उन्होंने जो पहले कहा है कि कुछ भी नहीं होने के बावजूद यूनिवर्स खुद को क्रिएट कर सकता है, तो उनका ऐसा मानना था कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ तो है. देर इज़ समथिंग रैदर दैन नथिंग वाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट वाई वी एग्जिस्ट. वो बोलते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसका एग्जिस्टेंस क्यों है और हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है. The Grand Design was Hawking's first major publication in almost decade. Decade means 10 सालों का duration. और वैसे कहा गया है कि जो The Grand Design, ये जो book उन्होंने September 2010 में लिखा है, ये उन 10 सालों में का major publication था, यानी कि prominent publication था. Within, यानी कि जो important publication था. Within his new work, Hawking set out to challenge Sir Isaac Newton's belief. देखिए यहाँ पे दिया है ये जो द ग्रैंड डिज़ाइन है, तो इस बुक में से उन्होंने चैलेंज किया है किसको, सर आइजैक न्यूटन के जो बिलीव्स थे उसको चैलेंज किया है, दैट द यूनिवर्स हैड टू हैव बीन डिजाइन बाय गॉड. यानी कि सर आइजैक न्यूटन ने मे बी ऐसे कहा होगा कि जो गॉड है उन्होंने यूनिवर्स को बनाया है, तो इस बात को उन्होंने अपने द ग्रैंड डिज़ाइन के थ्रू चैलेंज किया है, बिकॉज उनका ऐसे मानना था कि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी.
सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न फ्रॉम चाउस. चाउस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस. वो ऐसे मानते हैं कि सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन डिस्टर्ब फ्रॉम द चाउस, यानी कि डिस्टर्बेंस की वजह से ये सब कुछ क्रिएट हुआ है, सॉरी डिस्टर्बेंस की वजह से ये सब कुछ क्रिएट नहीं हुआ है वो मानते थे. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड टू लाइट अप द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग, हॉकिंग सेड. हॉकिंग जैसे कहते थे इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इन्वोक, इन्वोक यानी कि रिक्वेस्ट करना, या वी कैन से उनको एक विनंती करना. तो उनका ऐसा मानना था कि गॉड को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है टू लाइट अप द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग, यानी कि लाइट यानी कि जो जो कुछ भी लाइट है या यूनिवर्स को जो कुछ भी यूनिवर्स में हो रहा है इन सब के लिए ये सब कुछ चलता है, इसके लिए गॉड को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था. बिकॉज वो ऐसा मानते हैं कि वॉट एवर इट इज़ गोइंग ऑन ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, यानी कि वो ऐसा मानते ही नहीं कि गॉड ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है. एट द एज ऑफ 21 स्टीफन हॉकिंग वॉज डायग्नोस्ड विथ अमायोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस ALS और लॉ गेहरीज़ डिसीज. देखिए ALS नाम के डिसीज से 21 की एज में वो डायग्नोज हुए थे. इन अ वेरी सिंपल सेंस द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वर शटिंग डाउन, यानी कि हमारे बॉडीज़ में जो कुछ भी नर्व्स होती है जो हमारे मसल्स को कंट्रोल करती है तो वो क्या हो रही थी, उनकी शटिंग डाउन, यानी कि स्लोली स्लोली उनकी जो नर्व्स हुए वो बंद हो रही थी, काम करना छोड़ दे रही थी. एट द टाइम डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 years टू लिव, और उस समय डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि वो दो से ढाई साल यानी कि 2.5 years टू लिव, यानी कि 2 से 2.5 साल तक ही वो जिंदा रहेंगे, बाद में उनकी डेथ हो जाएंगी. हॉकिंग फर्स्ट बिगन टू नोटिस प्रॉब्लम विथ हिज फिजिकल हेल्थ व्हाइल ही वॉज एट ऑक्सफोर्ड, एंड ओकेजन ही वुड ट्रिप एंड फॉल और स्लर हिज स्पीच. ही डिडंट लुक इन टू द प्रॉब्लम अंटिल 1963 ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज. देखिए काफ़ी बड़ा सेंटेंस है. हॉकिंग फर्स्ट बिगन टू नोटिस प्रॉब्लम्स विथ हिज फिजिकल हेल्थ वाइल ही वॉज एट ऑक्सफोर्ड. जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहे थे तब उन्होंने अपने जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जब वो ऑक्सफोर्ड में एजुकेशन ले रहे थे तब उनको थोड़ा थोड़ा नोटिस हो रहा था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं. एंड ओकेजन ही वुड ट्रिप एंड फॉल, और देखिए यहाँ पे काफ़ी बार उनके साथ क्या हो रहा था, वो ट्रिप एंड फॉल. ट्रिप यानी कि होता है मोमेंटरली लॉस वंस बैलेंस ऑलमोस्ट फॉल वी कैन से, यानी कि ऑलमोस्ट जो कोई नीचे गिर जाता है, यानी कि वो चलते चलते में भी गिर जाते होंगे. एंड स्लर ही स्पीच, स्लर यानी कि होता है स्पीक इनडिस्टिंक्टली सो दैट द साउंड्स रन इन टू वन अनदर, यानी कि एक वर्ड वो बोलना चाहते हैं लेकिन उनके मुँह से दूसरा ही वर्ड हो रहा है, यानी कि स्लर ही स्पीच निकल रहा है. तो ऐसा उनको ध्यान में आया कि मैं ज़्यादा टाइम गिर रहा हूँ और मेरा जो स्पीच है वो स्लरी हो रहा है. ही डिडेंट लुक इन टू द प्रॉब्लम अंटिल 1963, यानी कि 1963 तक उन्होंने इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज, यानी कि जब वो फर्स्ट ईयर में थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे तब तक उन्होंने इस सारे डिसीज पे ध्यान ही नहीं दिया. फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड केप्ट दिस सिम्टम्स टू हिमसेल्फ, और देखिए काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने जो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो अपने पास ही रखी, किसी के साथ शेयर नहीं की, घर पे भी नहीं बताया. बट व्हेन हिज फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशन ही टुक हॉकिंग टू सी अ डॉक्टर, लेकिन जब उनके पापा को ये बात समझ में आई, उनके पापा ने जब उनको ऑब्जर्व किया दैट हॉकिंग इज सफरिंग फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स, तब उनके पापा उनको डॉक्टर के पास लेके गए. फॉर द नेक्स्ट 2 weeks द 21-year-old कॉलेज स्टूडेंट मेड हिज होम एट मेडिकल क्लिनिक वेयर ही अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ टेस्ट. देखिए फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, यानी कि जब उनके पापा उनको हॉस्पिटल लेके गए तो उसके बाद में 2 week के लिए, 2 हफ्तों के लिए ये जो 21 year के स्टीफन हॉकिंग थे उन्होंने मेडिकल क्लिनिक को, यानी कि जहाँ पे वो एडमिट थे वहाँ पे उनको जहाँ पे एडमिट किया था वहीं पे उन्होंने अपना कॉलेज बना लिया था, यानी कि वहीं पे वो रहने लगे, उनको एडमिट कर दिया गया. व्हेन ही अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ टेस्ट, यानी कि उनके उसके बाद उनके काफ़ी सारे टेस्ट किए गए बॉडी के. They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me and injected some radio opaque fluid into my spine and watched it going up and down with x-rays as they tilted the bed. He once said, यानी कि स्टीफन्स जो है वो हमारे साथ बोलते हैं, हमारे साथ ये शेयर करते हैं. They took a muscle sample from my arm. जो डॉक्टर्स थे उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के आर्म से एक मसल का सैंपल लिया. स्टक इलेक्ट्रोड्स इन टू मी, अगर आप कभी ICU में गए होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए होते हैं, तो उनके बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स लगाए गए. एंड इंजेक्टेड सम रेडियो ओपेक फ्लूड, ओपेक मीन्स होता है वी कैन से नॉन ट्रांसपेरेंट फ्लूड जो होता है, एक लिक्विड टाइप जेल टाइप होता है, तो
रेडियो यानी कि जिसको लगा कि आवाज़ सुनी जा सकी विद द हेल्प ऑफ दिस दैट फ्लूइड, आवाज़ सुनी जा सकी थी, और जो नॉन ट्रांसपेरेंट जेल के जैसा था ऐसा एक फ्लूइड उनको लगाया गया, उनके स्पाइन में डाला गया, सॉरी स्पाइन में, एंड वॉच्ड इट गोइंग अप एंड डाउन विद द एक्सरेज, और एक्सरे मशीन में वो जो फ्लूइड है उनके स्पाइन में अप डाउन हो रहा था, ऐसे देखा गया कैसे एज दे टिल्टेड द बेड, वहाँ पे जो डॉक्टर थे टिल्टेड टिल्टेड यानी कि फोल्ड करना स्ट्रेट करना, फोल्ड करना स्ट्रेट करना यानी कि बार बार बेंट को बेड को बेल्ट करके बेंड करके बार बार बेड को बेंट करके वहाँ पे जो फ्लूइड था उनके स्पाइन में डाला हुआ तो उसको अप एंड डाउन होते हुए सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। आफ्टर ऑल दैट दे डिडंट टेल मी व्हाट आई हैड, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनको नहीं बताया गया कि उनको क्या हुआ है, एक्सेप्ट दैट इट वॉज नॉट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, देखिए सिर्फ ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, जस्ट इतना ही बताया गया और तो उनको कुछ भी नहीं बताया, एंड दैट आई वॉज एन अटिपिकल केस, अटिपिकल यानी कि वेरी अनयूजुअल यानी कि एक रेयर केस है, ऐसे ही उनको बताया गया लेकिन एग्जैक्ट डिसीज क्या हो गया तो उनको नहीं बताया। इवेंचुअली हाउएवर डॉक्टर्स डिड डायग्नोज हॉकिंग विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ ALS, देखिए लेकिन फिर भी डॉक्टर लोगों ने उनको डायग्नोज किया ALS के साथ यानी कि अर्ली स्टेज है ALS की, उनको ऐसे बताया। इट वॉज डिवास्टेटिंग न्यूज़ फॉर हिम एंड हिज फैमिली, डिवास्टेटिंग मीन्स होता है कॉजिंग सेवर शॉक, उनकी फैमिली के लिए ये बहुत ही बड़ा शॉक था कि स्टीफन हॉकिंग को ALS हुआ है। बट अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हीम फ्रॉम बिकमिंग कम्प्लीटली डिस्पोडेंट, डिस्पोडेंट मीन्स होता है डिस्करेज और डाउन हार्टेड यानी कि, लेकिन उनके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से इवेंट्स हुए जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हुए इतना शॉक लगने के बावजूद। द फर्स्ट ऑफ दिस केम वाइल हॉकिंग वॉज स्टिल इन हॉस्पिटल, और इनमें से उनके लाइफ में जो कुछ भी इवेंट हुए थे जिसकी वजह से वो डिस्करेज नहीं होते उसमें से एक इवेंट था, सबसे पहला वो था हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे। देयर ही शेयर्ड अ रूम विथ अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, उनके साथ एक बच्चा था जो कि ल्यूकेमिया से सफ़र कर रहा था और उसी के साथ स्टीफन हॉकिंग की भी रूम शेयरिंग में दी गई थी। रिलेटिव और ल्यूकेमिया का यहाँ पे मतलब दिया है, ल्यूकेमिया में हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में बढ़ जाती है। रिलेटिव टू वॉट हिज रूममेट वॉज गोइंग थ्रू हॉकिंग लेटर रिफ्लेक्टेड ही सिचुएशन सीम मोर टॉलरेबल, यानी कि उस बच्चे को देखने के बाद जो कि ल्यूकेमिया से सफ़र कर रहा है उसको देखने के बाद हॉकिंग को स्टीफन हॉकिंग को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो कंडीशन है वो टॉलरेबल है यानी कि ये सह सकता हूँ बिकॉज मुझसे भी बुरी कंडीशन उस ल्यूकेमिया वाले बच्चे से है बच्चे में है। नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल हॉकिंग हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, देखिए नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब उनको हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज मिला तो कुछ ज़्यादा दिनों में जल्दी ही उनको एक बात रियलाइज़ हो गई दैट हॉकिंग हैड ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट करना यानी कि पुट इन टू इफेक्ट और वी कैन से परफॉर्म, उनका जो कुछ भी सपना था वो पूरा करने का उन्होंने सोच लिया, उनको पता था कि उनकी डेथ होने वाली है लेकिन फिर भी उस बच्चों की तरफ देख के उनके अंदर थोड़ा करेज आ गया और उन्होंने सोचा कि अभी भी जितना टाइम है तो उसमें मुझे जो मेरा ड्रीम है उसको कैरी आउट करना है, परफॉर्म करना है। ही सेड दिस ड्रीम मेड हिम रियलाइज दैट देयर वेयर स्टिल थिंग्स टू डू विथ हिज लाइफ, और तब उनको ये बात रियलाइज़ होगी कि अभी भी मेरी लाइफ में करने की जैसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इन अ सेंस हॉकिंग्स डिसीज हेल्प्ड हिम बिकम द नोटेड साइंटिस्ट ही इज टूडे, और इस डिसीज़ की वजह से ही आज वो इतने प्रोमिनंट और इम्पोर्टेंट फिगर बन गए, इतने फेमस साइंटिस्ट बन गए, वो डिसीज़ की वजह से ही बन गए ऐसे वो मानते हैं। बिकॉज उस डिसीज़ के होने के बाद ही उनको पता चला कि लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो करने जैसी है। बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंग हैड नॉट ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज, बिकॉज ALS डायग्नोस होने से पहले हॉकिंग जो वो अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोज आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ लाइफ ही सेड, और वो बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि ये जो डायग्नोस होने के पहले वो अपनी लाइफ की वजह से बहुत बोर हो गए थे। देर हैड नॉट सीम टू बी एनीथिंग वर्थ डूइंग, वर्थ यानी कि होता है इम्पोर्टेंट, यानी कि उनको ऐसे लगता था लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट करने जैसा बचा ही नहीं है, ये सब उनको कब लगता था, डायग्नोस होने से पहले। विद द सडन रियलाइजेशन दैट ही माइट नॉट इवन लिव लॉन्ग टू अर्न सॉरी हाँ विद द सडन रियलाइजेशन दैट ही माइट नॉट इवन लिव लॉन्ग इनफ टू अर्न हिज PhD, जब उनको ये रियलाइज़ हो गया कि PhD करने के लिए वो नहीं रहेंगे यानी कि उनकी डेथ हो जाने वाली है पहले ही, तब उन्होंने क्या किया, हॉकिंग पोर्ड हिमसेल्फ इन टू हिज वर्क एंड रिसर्च, तब उन्होंने खुद को
जो हॉकिंग पोर्ड हिमसेल्फ इनटू हिज वर्क एंड रिसर्च, जब उनको पता चला कि उनकी डेथ होने वाली है, वो पीएचडी होने तक जिंदा नहीं बचेंगे, तब उन्होंने खुद को एंगेज कर लिया किस बात में, अपने वर्क में और रिसर्च में। एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमनिश्ड, ही वुड बी फोर्स टू यूज अ व्हील चेयर बाय 1969 में उनको व्हील चेयर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी बिकॉज उनके बॉडी पे जो कंट्रोल था वो डिमनिश हो रहा था, यानी कि रिड्यूस हो रहा था। द इफेक्ट ऑफ हिज डिसीज स्टार्टेड टू स्लो डाउन, देखिए कुछ सालों बाद उनके उनका जो डिसीज था उसका इफेक्ट भी ज़रा कम हो रहा था। ओवर टाइम हाउएवर हॉकिंग्स एवर एक्सपांडिंग करियर वॉज अकम्पेन्ड बाय एन एवर वर्सनिंग फिजिकल स्टेट, देखिए उनका जैसे जैसे करियर एक्सपांड हो रहा था, जैसे कि अकम्पेन यानी कि गोविद, करियर उनका जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो बहुत ही खराब होती जा रही थी। बाय द मिड 1970s द हॉकिंग फैमिली हैड टेकन इन वन ऑफ हॉकिंग्स ग्रेजुएट स्टूडेंट टू हेल्प मैनेज हिज केयर एंड वर्क, देखिए 1970s के बीच में, मिड 1970s में उसके फैमिली ने क्या किया, हॉकिंस की जो उनके साथ ही पढ़ने वाला एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था वो हॉकिंस के घर पे काम के लिए उन्होंने रख दिया, हिज केयर एंड वर्क, यानी कि हॉकिंस का काम करने के लिए उन्होंने घर पे अपॉइंट कर लिया। ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ बेड बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंस, देखिए अब मिड 1970 तक उनकी हालत कैसी थी हॉकिंस की, वो खुद को खाना भी खा सकते थे और बेड पे से उठ सकते थे, लेकिन वर्चुअली वर्चुअली कि ऑलमोस्ट बाकी सभी कामों के लिए उनको असिस्टेंस की यानी कि हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। इन एडिशन ही स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड, और उनका जो बोलना था वो बहुत ही स्लर्ड यानी कि बहुत ही स्लीपरी हो गया था, सो दैट ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम, तो इसी वजह से जो उनको लोग अच्छी तरह से जानते थे, जिनके साथ उनकी रोज़ जान पहचान होती थी, वही लोग हॉकिंस का बोलना समझ पाते थे। इन 1950 ही लॉस्ट हिज वॉइस फॉर गुड फॉलोइंग अ ट्रिकियोटॉमी, देखिए ट्रिकियोटॉमी यानी कि एन इंसिजन इन द वाइंड पाइप मेड टू रिलीव एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रीदिंग, देखिए 1985 तक उनकी पूरी आवाज़ चली गई और उनको फिर क्या करना पड़ा, गले में एक होल करके वहाँ पे वाइंड पाइप डालना पड़ा, यानी कि जो ब्रीदिंग है वो उनके गले में से होने लगी, नाक से ब्रीदिंग उनकी बंद हो गई थी। द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर्ड 24 आवर नर्सिंग केयर फॉर द अक्लेम फिजिसिस्ट, अक्लेम यानी कि वी कैन से पब्लिकली प्रेज्ड, यानी कि इतने फेमस फिजिसिस्ट जो है स्टीफन हॉकिंग, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि अभी उनको 24 आवर्स नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ने लगी। इट ऑल्सो पुट इन पेरिल हॉकिंग्स एबिलिटी टू हीज वर्क, देखिए पेरिल का मतलब यहाँ पे दिया है सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, इट ऑल्सो पुट इन सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर टू हॉकिंग्स एबिलिटी टू हीज वर्क, यानी कि उनका जो कुछ भी इन्वेंशन का या रिसर्च का काम चल रहा था तो उसके लिए बहुत ही डेंजर हो गया था बिकॉज वो अपना कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। द प्रिडिकमेंट कॉट द अटेंशन ऑफ अ कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रिडिकमेंट यानी कि होता है इनका जो अनप्लीजेंट या डिफ़िकल्ट ये जो प्रॉब्लम था इस पे किसका ध्यान गया, कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर का, हु हैड डेवलप्ड अ स्पीकिंग प्रोग्राम दैट कुड बी डायरेक्टेड बाय हेड एंड आई मूवमेंट, देखिए ये जो कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्राम है तो उन्होंने ऑब्जर्व किया स्टीफन हॉकिंग की जो भी कंडीशन है वो उनके ध्यान में आई और उन्होंने एक ऐसा गैजेट बनाया, देखिए स्पीकिंग प्रोग्राम दैट कुड बी डायरेक्टेड एंड हेड डायरेक्टेड बाय हेड एंड आई मूवमेंट, उनके सर की मूवमेंट और आई के मूवमेंट के ऊपर उनका जो स्पीकिंग प्रोग्राम है वो रन हो सके, ऐसा कुछ इक्विपमेंट उन्होंने कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्राम ने उन्होंने बना के दिया। द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सिलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वेयर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर, सिंथेसाइजर का मतलब होता है एन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टिपिकली ऑपरेटेड बाय अ कीबोर्ड और जो कि साउंड्स क्रिएट करता है, ऐसा एक साउंड और सिग्नल्स क्रिएट करता है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये सिंथेसाइजर मीन्स। तो देखिए यहाँ पे दिया है द इन्वेंशन यानी कि कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर ने कुछ सिंथेसाइजर बना के दिया और उसकी वजह से क्या हो गया, द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सिलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि अभी हॉकिंस जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड सिलेक्ट कर सकते थे, यानी कि उनको जो कुछ भी बोलना है तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख के बता सकते थे और जो कुछ बाद में जो कुछ भी उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा तो वो सिंथेसाइजर की हेल्प से साउंड बन के बाहर पड़ते थे, यानी कि वो जो कुछ भी बोलना चाहते थे वो बोल सकते थे यानी कि मुंह से नहीं, उनको जो चाहिए वो कंप्यूटर स्क्रीन पे लाते थे, कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से फिर वो सिंथेसाइजर में जाके उसका साउंड क्रिएट होता था। एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन हॉकिंग हु स्टिल हैड यूज द हिज फिंगर्स सिलेक्टेड हिज वर्ड्स विथ हैंडल हेड क्लिकर,
देखिए ये जब इन्वेंशन हुआ था तब उनके जो फिंगर से वो वर्क करते थे, और बाद में इन्होंने हैंडल हेल्ड क्लिकर जो है, यानी कि उनके हाथ में कुछ क्लिकर था, तो उसकी हेल्प से उन्होंने फिर वो वर्ड सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। टुडे विथ वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन, यानी कि आज के दिन में उनके बॉडी का पूरी टर्टल से कंट्रोल चला गया था, यानी कि जब ये लिखा गया लेसन तब। हॉकिंग डायरेक्ट्स द प्रोग्राम थ्रू अ चीक मसल्स अटैच टू अ सेंसर, यानी कि उस मशीन को जो कुछ भी सेंसर लगाया गया था तो उसके ऊपर चीक चीक यानी कि गाल गाल के मसल से वो मशीन को ऑपरेट करने लगे। थ्रू द प्रोग्राम एंड द हेल्प ऑफ असिस्टेंट स्टीफन हॉकिंग हैज़ कंटिन्यू टू राइट एट अ प्रोलिफिक रेट, प्रोलिफिक यानी कि हाई लेवल, यानी कि इस मशीन के हेल्प से और हेल्प ऑफ असिस्टेंट्स, यानी कि उनके जो कुछ भी घर में काम करने वाले जो भी उनको असिस्टेंट रखे गए थे उनके हेल्प से स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया, हाई लेवल पे राइटिंग वर्क किया। हिज वर्क हैज़ इंक्लूडेड न्यूमरस साइंटिफिक पेपर्स, और उन्होंने जो कुछ भी रिटर्न वर्क किया था, देखिए कंटिन्यू टू राइट दिया यहाँ पे, यानी कि जो कुछ भी इन्वेंशन या रिसर्च किया था, जो कुछ भी उन्होंने लिखा था उसमें क्या था, न्यूमरस साइंटिफिक पेपर्स, न्यूमरस यानी कि काफ़ी सारे साइंटिफिक पेपर्स थे ऑफकोर्स, बट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन फॉर द नॉट साइंटिफिक कम्युनिटी, नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे पेपर्स लिखे थे। हॉकिंग्स हेल्थ ऑफकोर्स रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट कंसर्न, लॉकिंग की जो हेल्थ थी वो हमेशा कॉन्सर्न यानी कि हमेशा सबके लिए एक टेंशन वाली बात थी। अ वरी दैट वॉज हाइटेंडेड इन 2009 वेन ही फेल टू अपियर एट अ कॉन्फ्रेंस इन एरिजोना बिकॉज ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन, उनकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा ख़राब हो गई, ये कब समझ में आया, 2009 में जब एरिजोना कॉन्फ्रेंस में वो प्रेजेंट नहीं थे, उनकी जो चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ गया था उसकी वजह से। इन अप्रैल हॉकिंग हु हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड ही वॉज रिटायरिंग आफ्टर 30 ईयर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ल्यूकेशन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो ल्यूकेशन प्रोफेसर, मैथमेटिक्स के ल्यूकेशन प्रोफेसर का काम करते थे, तो 30 साल की उम्र में जब उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। वॉज रश टू द हॉस्पिटल फॉर बींग वॉट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल डिस्क्राइब एज अ ग्रेवली इल, 30 साल की एज में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से वो रिटायरमेंट ले रहे और रश्ड टू द हॉस्पिटल, और वहाँ से वो हॉस्पिटल में चले गए एडमिट होने के लिए, और बाद में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से उन्होंने कहा कि ग्रेवली इल यानी कि उनकी जो तबीयत है वो सीरियसली वो ख़राब हो चुकी है। इट वॉज लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी, बाद में इस चीज़ को भी अनाउंस कर दिया गया कि वो सीरियसली बीमार हो गए थे लेकिन, यानी कि ज़्यादा तबीयत हो गई थी लेकिन अभी वो उन्होंने पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है। ही पास्ड अवे ऑन 14th March 2018, और उनकी डेथ हो गई 14th March 2018 में। सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आर लेसन एंड दीज आर द हार्ड वर्ड्स, थियोरटिकल मीन्स based on mental concepts, cosmology means the science of the origin and development of the universe, set out means to present, honorary means holding an honorary title, recipient means beneficiary, insight means awareness, groundbreaking means innovative, accessible means reachable, depicted means represent, noteworthy means notable, prominence means position or rank, masses means a large body of matters, illustrated means containing pictures, articulate means attach, unifying means make united, ambitious means showing a strong desire to succeed, compatible means matched, invitable means non-stoppable, consequence means result, spontaneous means unforced, chaos means disturbance, invoke means request, trip means momentarily lose one's balance almost fell, slur means speak indistinctly so that the sound run into one another, opaque means non-transparent, despondent means discouraged, executed means put into effect, worthy means important, diminished means reduce, accompany means go with, virtually means almost, assistance means help, acclaim means publicly praised, predicament means unpleasant, prolific means high level, and gravely means seriously. Once again I want to tell you that if you are new to this YouTube channel, please share and subscribe कीजिए, और आपके दोस्तों को भी suggest कीजिए। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस लेसन के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करवाऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक ऑलरेडी दे दिया है सारे वीडियोस का 10th स्टैंडर्ड के, और इसी मैनर में आपका सारा टेक्स्ट बुक कवर कराऊंगी। सो इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू।